दोस्तों नमस्कार मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद जैन फेशियन दोस्तों पेशाब से संबंधित कुछ गलतियां आप ना करें जो मैं बताने जा रहा हूं और इससे कई तरह के संक्रामक रोग होते हैं और यह बच्चों पर भी लागू होता है औरतों पर भी लागू होता है जवान लोगों पर भी लागू होता है बूढ़ों पर भी लागू होता है सब पे समान रूप से लागू होता है इन गलतियों करोगे तो आपको किडनी इन्फेक्शन हो सकता है पैरलाइसिस फालिस लकवा हो सकता है पेशाब में जलन हो सकता है प्रोस्टेट प्र। ग्लैंड की सूजन हो सकती है बार बार पेशाब आने की बीमारी हो सकती है किडनी पथरी बन सकती है किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है या पेशाब में रुकावटें हो सकती है पेशाब में ब्लड आ सकता है पेशाब में गंदगी आ सकती है यानी कई तरह की दिक्कतें हो सकती है आपका पाचन क्रिया गड़बड़ हो सकता है तो इन सारी बातों को समझाऊंगा कि पेशाब के संबंधित कुछ गलतियां ना करें आप लोग ध्यान सुने और एंड तक बने रहेंगे और दोस्तों नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक करें शेयर करें और चलिए वीडियो का आनंद ले दोस्तों पेशाब से संबंधित कुछ गलतियाँ आप लोग कर दे तो इस वजह से आपको तरह तरह के खामियाजा भुगतना पड़ता है कई तरह की भी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं अब कौन गलतियाँ हैं आप इन सारी गलतियों से बचना जो मैं बताया जो बीमारियाँ हो सकती है बीमारियों से आप बच जाओगे आपका लाइफ स्वस्थ रहेगा और आपकी आयु भी उम्र भी बढ़ जाएगी खाना खाने के बाद फ़ौर पेशाब करना ज़रूरी है पेशाब जरूर करें खाना खाने के बाद नहाने से पहले पेशाब कर लें नहाने के तुरंत तो पेशाब न करें संभोग करने के बाद भी जितना जल्दी हो पेशाब कर लेना चाहिए सोने से पहले पेशाब करके सोने जाएं पेशाब करके तुरंत तो पानी ना पिए इससे फालिश लकवा हो सकता है पेशाब ज़्यादा देर तक न रोकें ज़्यादा देर तक रोकने से यूटियाई इन्फेक्शन हो सकता है किडनी में पत्थरी हो सकती है किडनी इन्फेक्शन हो सकता है स्टोन बन सकता है पेशाब में जलन हो सकती है पेशाब से ब्लड पश वगैरह भी आ सकता है पेशाब कभी भी खड़ा होकर ना करें कोशिश करें बैठे करेंगे खड़ा होकर करने से भी पेशाब करने से फालिश लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है पेशाब कभी जोर लगा कर ना करें पेशाब जोर लगाया करने से आपको टे इन्फेक्शन हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड पे दबाव पड़ता है और फलता आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन आ सकती है और पेशाब बार बार आने की शिकायत आपको हो सकती है पेशाब करके कभी कूल्ला नहीं करना चाहिए इससे फालिश लगवा का डर रहता है पेशाब कभी खड़ा होकर के सॉरी पेशाब करने के बाद तुरंत कूलर ना करें और पेशाब करने के बाद तुरंत पानी ना पिए पेशाब करके तुरंत पानी पीने से भी आपको फालिश लगवा का शिकायत रहता है पेशाब करने के बाद कुछ देर टहल वहल ले कम से कम पाँच सात दस मिनट तक तो पानी पिए समझ गए तो सारी गलती आप लोगों को मैं समझा दिया इन गलतियों से बचोगे तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी और कई तरह के अनेकों बीमारियों से आप बच जाओगे और इस और इस चीज़ का पालन औरतें भी कर सकती करना चाहिए औरतों को भी करना चाहिए पुरुषों को करना चाहिए बच्चों को करना चाहिए बुढों को करना चाहिए यानी सबको करना चाहिए समझ गए तो आप लोग इसका पालन करें और फायदा उठाए चलिए जय हिंद जय भारत